किले का पानी का बॉटल खरीदा जो मुझे पड़ा देखिए 130 LKR में यानी श्रीलंका। ओ अच्छा श्रीलंका, ओके ओके। सो गाइस वेलकम बैक टू द नेक्स्ट डे टू द नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूँ श्रीलंका कोलंबो में। यार के आज का दिन का शुरुआत इतना जबरदस्त हुआ है ना, ट्रैवल कर रहा था स्टेशन में तो सडनली ये भैया मुझे मिले। मिलने के बाद इन्होंने मुझे कहा कि अब कहाँ जा रहे हैं, बट लेटर ही सेड कि आप बैठिए मैं आपको बस स्टैंड तक छोड़ देता हूँ एंड आई विल टेक नो मनी। सो ये जो भैया दिखा रहे हैं यहाँ पर, विच प्लेस इज दिस ब्रदर? कोलंबो मेन सेंटर मेन सिटी पेटा पेटा। ये है कोलंबो मेन सिटी पेटा, आप देख सकते हैं ये है और भैया का जो स्टैंड है वो है। अगर कभी भी आप श्रीलंका आए तो उनको कॉन्टेक्ट जरूर कीजिएगा, उनका नंबर मैं दे दिया, आप उनको देख सकते हैं। This is a Colombo city. हाँ। I told you 1 hour in 700. Somebody took to taxi, the tour is $5-$10. I am very cheap price. हाँ। It's a good tour. Okay. We like my tour. ये इतने सारे places को घुमाएंगे, बाकी लोगों से $3 चार्ज करते हैं लेकिन मुझसे बहुत कम चार्ज कर रहे हैं, यानी 700 श्रीलंकन रुपीज चार्ज कर रहे हैं। भैया मुझे लेकर जा रहे हैं ये सारे प्लेसेस को घुमाने के लिए। किले का पानी का बॉटल खरीदा जो मुझे पड़ा 33 रुपए में यहाँ पर, यानी कि 130 LKR में, यानी काफी महंगा पानी यार ये। तो भैया लेकर आए 1908 का ये मॉस जो काफी पुराना है गाइस, आप देख सकते हैं। सो दिस इज द बैक साइड ऑफ द रेड मॉस्क जो कि 1908 में एस्टैब्लिश हुआ है, आप देख सकते हैं काफी खूबसूरत लग रहा है ये मॉस्क। यहाँ से हमने अभी रेड मॉस्क देखा जो काफी खूबसूरत है। तो गाइज अभी मैं हूँ सेकंड क्रॉस स्ट्रीट में पेटा, जो है ये मेन बाजार है। भैया जो है मुझे ये एरिया से लेकर जा रहे थे, तो भैया जो है काफी धूम मचाते हुए अपना टुक टुक चला रहे हैं भाई। तो अभी जो बिल्डिंग आपने देखा है वो है श्रीलंका का फर्स्ट मॉल जो है 1948 में एस्टैब्लिश हुआ आफ्टर द डच। श्रीलंका का पहला मॉल है जो कि ऐसा दिखता है। तो ये जो है ये टूरिस्ट का काफी अट्रैक्टिव प्लेस है जैसे कि भैया बता रहे हैं। तो ये एंशियंट है काफी और वो सबसे फेमस जो चीज है वो है आपका क्लॉक टावर। ये जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं ये 1940s की डच की बनाई हुई बिल्डिंग है जो कि काफी पुरानी है, आप देख सकते हैं। ओके तो ये जो है पहले डच हॉस्पिटल हुआ करता था और अभी वो डच रेस्टोरेंट में चेंज हो चुका है। तो अभी का जो है ये है डच का रेस्टोरेंट एंड होटल। यू कैन सी ये जिस लेवल से बना हुआ है, इसकी बनावट देखें आप, लाइक ये 90s की बनी हुई है, आप देख सकते हैं गाइस। ये जो है ये डच के पीरियड से बनाया हुआ जमीन है, ये जो है बड़े बड़े पत्थर जो लगाए हुए हैं वो डच के जमाने से है, तो इस पे कोई चेंजेस नहीं हुई अभी तक। दिस इज द प्लेस लाइक। तो कल जो है वो श्रीलंका का इंडिपेंडेंस डे है 75 years। तो भैया ये बता रहे हैं कि कल यहाँ पर बहुत सब कुछ बंद रहेगा और काफी खूबसूरत तरीके से लाइक अभी भी सिक्योरिटी गार्ड वगैरह दिया गया है यहाँ पर। तो वो जो आप देख रहे हैं वो है श्रीलंका पार्लियामेंट, जैसे कि भैया बता रहे हैं कि दैट पार्लियामेंट इज एग्जैक्टली लाइक तमिलनाडु पार्लियामेंट, तो वो कुछ ऐसा दिखता है गाइस, जबरदस्त लेवल का दिख रहा है गाइस। सर सुना था कि कोलंबो खूबसूरत है लेकिन कभी इमेजिन नहीं किया था लाइक कि इतना खूबसूरत हो सकता है कोलंबो। तो ये जो आप देख रहे हैं ये चाइना होटल है और भैया बता रहे हैं कि ये जो एरिया है वो पहले बेस आर्मी कैंप हुआ करता था, अभी ये वास्ट लैंड में तब्दील हो गया बट अभी भी सिक्योरिटी गार्ड काफी दी गई है। तो ये है आपका चाइना होटल, तो ये है
कोलंबो की बीच जो काफी जबरदस्त दिख रही है गाइस यहाँ से। तो ये जो बीच आप देख रहे हैं ये सैटरडे संडे में काफी क्राउड होता है, लाइक सारे पीपल सारे फॉरेनर्स वगैरह जो यहाँ पे गैदर करते हैं। तो आज वो दिन है, व्हाट्स द डे टुडे, लाइक इट्स मंडे, टुमारो हॉलीडे, टुमारो हॉलीडे, टुमारो इज हॉलीडे, यू कैन कम, ऑल श्रीलंका पीपल कमिंग साइड, ओके 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 ओके। तब लगता है गाइस बहुत सही टाइम पे आया हूँ। कल जो है वो श्रीलंका का इंडिपेंडेंस डे है, तो भैया ऐसा बता रहे हैं कि यहाँ पर कल सेलिब्रेशन होगा, यहाँ पे सारे जो पब्लिक होते हैं वो इकट्ठा होकर सेलिब्रेट करते हैं। तो आई थिंक आई एम लकी कि मैं इस टाइम पे इस सिचुएशन पे इस चीज को कैप्चर करने के लिए श्रीलंका आया हुआ हूँ। दिस इज ऑल द प्रिपरेशन फॉर टुमारो सेलिब्रेटिंग द इंडिपेंडेंस डे। के जो पुराने प्रेसिडेंट थे गोटा वाया, उन्होंने काफी हद तक इन लोगों को चूना लगाया। उनका इकोनॉमिकल क्राइसिस और पॉलिटिकल क्राइसिस इतना बुरा हो गया था ना उसकी वजह से, कि अब क्या बताएं कि लाइक इन लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ रहा है ताकि सब चीज वापस से ट्रैक पर आए। सो ये है ताज समुद्र कोलंबो की होटल, और आप देख सकते हैं लाइक कि ये काफी जबरदस्त है। ये जो प्लेस है ये काफी हद तक थाईलैंड से मिलती है, लाइक यहाँ का सोसाइटी, यहाँ का एटमोसफेयर देख के ना मुझे पूरी थाईलैंड वाली फीलिंग आ रही है। ये जो है इस जगह को कहते हैं बेर लेक कहते हैं इसको। तो ये बुद्धा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। लाइक आप इसका नेचर देखो यार, क्या जबरदस्त ऊपर से ये व्यू और ये व्यू, लाइक दिस इज समथिंग डिफरेंट। तो आप देख सकते हैं मैं वहां पर जा रहा हूँ वॉक करके। ये जो आप देख रहे हैं ना गाइस, ये जो रोड को प्लेन करने वाली जो मशीन होती है, लाइक रोलर होती है, वो ये पुराना जमाना का रोलर है। आप देख सकते हैं इसकी इंजन और इसकी पिस्टन को देखो गाइस, ये वर्टिकली इनलाइन किया गया है और लाइक ये काफी काफी पुराना है, तो इसको एज अ हेरिटेज यहाँ पर रखा गया है। तो ये फूल की जगह पे यहाँ पे बल्ब लटकाया गया है, यानी कि रात में काफी अमेजिंग लगने वाला है ये। तो आप देख सकते हैं यार काफी। तो ये है कोलंबो का म्यूनिसिपैलिटी जो कि व्हाइट हाउस की तरह लग रहा है पूरा। और आप इस साइड जो देख रहे हैं ये है पार्क जो 24 घंटे खुले रहता है। सो दिस इज द विक्टोरिया पार्क। जैसा कि कोलकाता में विक्टोरिया पार्क है वैसा नहीं है, ये कुछ डिफरेंट है। यहाँ पर जो है वो बुद्धा स्टैचू लगा हुआ है, यहाँ पर जो है वो बुद्धा स्टैचू लगा हुआ है और ये 24 घंटा खुला रहता है यहाँ पर। आप देख सकते हैं गाइस वहाँ जो आप देख रहे हैं वो लोग जो है यहाँ पर कैंपिंग कर रहे हैं, कैंपिंग इन द सेंस जो बच्चे होते हैं स्कूल के वो लोग आकर यहाँ पर हाइक कर यहाँ पर कैंप लगाकर ये नेचर का मनोरंजन लेते हैं। तो ये कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये है कोलंबो 7 जो 90s में सिनेमन गार्डन हुआ करता था, और अभी ये चेंज होकर पूरा सोशलाइज हो गया है यहाँ पर, पूरा इकोनॉमी चेंज होकर सारी बिल्डिंग्स वगैरह बन गई है यहाँ पर। नाउ सिनेमन द रिच पीपल हाउस नाउ, ओके रिच पीपल, वेरी रिच। ये जो स्ट्रीट देख रहे हैं आप कोलंबो 7, ये है अमीरों का शहर, अमीरों का कॉलोनी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है श्रीलंका कोलंबो के सबसे richest पर्सन रहते हैं, आप उनके घर देख सकते हैं गाइस, जबरदस्त लेवल का घर है यहाँ पर। ये जो आप देख रहे हैं इसको स्टेडियम मत समझिएगा, ये है थिएटर, इसका नाम है इंद्र राजपक्ष थिएटर। सो ये जो आप देख रहे हैं ना इट्स लाइक It's not a stadium, but it's a theater. This is the art gallery
कोलंबो का ये आर्ट का गैलरी है, आप देख सकते हैं। ये जो है पर कुछ हाथों की कलाकारी दिखाई गई है गाइज, आप पेंटिंग देख रहे हैं यार, बहुत जबरदस्त लग रहा है। वाओ, सी द हॉर्स, सी द हॉर्स गाइज, सी द हॉर्स। कोलंबो नेशनल म्यूजियम, तो गाइज यहाँ पर मैंने जो गाड़ियाँ देखी है वो है लेक्सस और मर्सिडीज टोयोटा की, ऐसी ऐसी मॉडल मैं देख रहा हूँ गाइज जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। मित्सुबिशी है, लेक्सस है, पजेरो है, ह्यूंडे का ऐसी ऐसी गाड़ी, ऐसी ऐसी हैचबैक है जो मैंने कभी नहीं देखी है। It's my country, Oscar is clean. Very clean. Very clean. Everybody say. So why people must buy Muslim same? Ziyarat, inside the ziyarat. So this is the famous mosque of Sri Lanka. Demadagapalli. Yeah, Palli meaning mosque. So ये है Fort Railway Station. ये यहाँ से जाती है कैंडी of Colombo, यफना, ट्रिंकोमाले, यफना, ये जो ट्रेन है ये सब वहाँ से कनेक्ट करती है और वेरी चीप, वेरी चीप, वेरी चीप, यस, वेरी ब्यूटीफुल। तो ये है पुराना जमाना का रिक्शा टैक्सी। कल जैसा कि श्रीलंका का इंडिपेंडेंस डे है तो हम लोग जैसे भारतीय में देखते हैं कि श्रीलंका इंडिपेंडेंस डे से पहले सब अपने गाड़ियों में, घरों में, हर जगह तिरंगा लहराते हैं, लेकिन इस कंट्री में मैंने देखा है लाइक कि कल इंडिपेंडेंस डे है लेकिन यहाँ पर किसी के भी गाड़ी में या किसी के भी घर में मैं लाइक एक श्रीलंकन फ्लैग नहीं देखा हूँ। लाइक क्या बताऊँ गाइस, क्यों इसका पीछे रीजन ये है कि इनकी जो यहाँ की पब्लिक है वो गवर्नमेंट को सपोर्ट ही नहीं कर रही है। अभी जैसे गोटाबाया का जो स्कैम हुआ, उस जाने के बाद जो भी सरकार बनी है वो भी इसके वजह से यहाँ की पब्लिक खुश नहीं है, तो यहाँ के फ्लैग्स वगैरह कुछ भी सेल नहीं हो रहे हैं। और आपने भी देखा होगा, लाइक मैंने व्लॉग में आपने भी देखा होगा कि किसी के गाड़ी में फ्लैग नहीं लगा हुआ है, किसी की भी नहीं।